असल लेडी एंजन में मैं हूं नदीम आपका टीचर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के कोर्स के साथ आज हम अपने इस कोर्स का आखिरी लेक्चर विच इज लेक्ट करेंगे अपने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर फोर्टी फोर में हमने अपने डिस्कशन को कंटिन्यू किया था अकाउंटिंग और फाइनेंस के कुछ कॉन्सेप्ट के साथ उसमें हमने कुछ तो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को डिफाइन और डिस्क्राइब किया था फिर हमने ये देखा के अकाउंटिंग के प्रोसेस के दौरान कौन कौन सी बुक्स और स्टेटमेंट्स यूज होती हैं हमने डिस्कस किया एक बुक यूज होगी विच इज जनरल जनरल और जनरल जनरल एक ऐसी किताब है जिसमें हम अपना डे टू तो डे रिकॉर्ड रखते हैं तो जो ही एक ट्रांजैक्शन होती है हम उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड उस किताब में करते जाते हैं एंड दैट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए कहते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जिस किताब होगीजिनल एंट्री और हमारे अकाउंटिंग साइकिल के प्रोसेस में सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन के बाद इस बुक से अपना प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे फिर हमने एक और बुक डिस्कस की एंड दैट वॉज लेजर और लेजर हमने कहा कि कैसी किताब है जिसमें सेपरेट हेड्स ऑफ अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखा गया होता है और जिस एक पेज के ऊपर एक टाइप का रिकॉर्ड होगा दैट वी कॉल एज अकाउंट और जिस किताब में इस पूरी बुक में ये सारी चीजें होंगी दैट बुक विल बी कॉल एज लेजर लेजर के बाद फिर हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी दैट वॉज अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यू था हमने कहा एसेट्स आर इक्वल टू द लाइबिलिटीज और फिर हमने इसी को एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करके हमने ये कहा कि एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी और जब हमने ये जो इक्वेशन बनाई एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड ऑन इक्विटी तो हमने एक्चुअली लाइबिलिटीज को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया लाइबिलिटीज क्या चीज थी लाइबिलिटीज फॉर ऑल क्लेम्स एंड ऑबलीगेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जितने भी कोई क्लेम या ऑब्लिगेशन होते हैं वो सारे उस ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटीज होंगे

जब भी कोई ओनर कोई कैपिटल इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट इवॉल्व हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कॉन्ट्रैक्ट ये है कि बिजनेस विल यूज दैट मनी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस एंड डिजायर्स ऑफ द ओनर फॉर रनिंग द बिजनेस एंड इन केस

ल लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी और इस बात को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ली थी कि जैसे जब इंसान दुनिया में आता है तो इंसान का जो खालक है उस खालक के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हो जाता है वो एग्रीमेंट क्या है कि इस बॉडी को हमने अपने बुजुर्गों बर्तर की मर्जी के साथ के, के साथ इस्तेमाल करना होगा एंड बाई द एंड ऑफ द डे वी टू रिटर्न इट बैक टू द ओनर फाइनली दैट हैज टू गो बैक टू द ओनर दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वी ऑल बिलीव और इसी को मैं एक शेयर के साथ एक्सप्लेन किया था कि जान दी जान दी दी हुई उसी की थी जान दी दी हुई उसी की थी हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ सिमिलर वे वी अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट इन द बिजनेस द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस हैज टू गो बैक टू द ओनर सुनर आर लेटर मे बी आफ्टर एयर आफ्टर सिक्स मंथस फ्टर टेन ईयर्स आफ्टर फाइव हंड्रेड ईयर्स मालक जब चाहे अपना बिजनेस बंद करके अपने इन्वेस्टमेंट वापस ले सकता है तो हमने कहा कि कैपिटल इज ऑल्सो ए लाइबिलिटी और उस कैपिटल में जितना ही इंक्रीज या डिक्रीज होती जाएगी डैट विल मेक ओनर्स इक्विटी फिर हमने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा उस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमने देखा कि एक बैलेंस शीट कैसे बनाई जा सकती है उस बैलेंस शीट में हमने देखा कि एक तरफ सारे एसेट लिख दिए गए थे एक खास ऑर्डर में और वो खास ऑर्डर क्या था दैर वॉज मोस्ट लिक्विड एसेड फर्स्ट एंड द फर्स्ट आइटम इन दैट बैलेंस शीट वॉज कैश एंड देन वॉज द लावेलिटिस

दैट वॉज एक्सप्लेनेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड दैट वॉज एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट आपसे मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट देखें और समझने की कोशिश करें कि ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट कैसे बनाती है आज हम बैलेंस शीट के बाद एक और स्टेटमेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे और जिस स्टेटमेंट को आज हमें डिस्कस करना है दैट इज कार्ड एज इनकम स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट जैसे के नाम से पता चल रहा है कि इनकम स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट वाज ए शीट एक कागज जिसके ऊपर कुछ बैलेंस लिखे हुए होंगे सो बैलेंस शीट इज नॉट ए बुक An income statement is not a book; rather, that is a statement. Or, ye, wo statement jo kya what is the position of income or loss? We might earn some money during the operations, or because of some processes. If we earn profit, then our income statement will show. प्रॉफिट आर नेट इनकम तो अब अगर आपको मैं ये कहूं कि अगर आप ये जानना चाहें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना हुआ है तो आप क्या करेंगे आप उस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम स्टेटमेंट से कंसर्ट करेंगे और अगर आपको यह पूछा जाए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स कितने हैं तो फिर आप इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे नहीं फिर आप एक और स्टेटमेंट से कंसल्ट करेंगे एंड दैट स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट अगर हमने एसेट्स देख रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटीज़ को जानना चाहते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में मालिक का कितना पैसा है ओनर की कितनी इन्वेस्टमेंट है वो जानना चाहेंगे तो क्या करेंगे हमें बैलेंस शीट से कंसल्ट करना पड़ेगा लेकिन अगर हमें यह जानना है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ तो आप बिजनेस के स्टूडेंट होते हुए नॉ यू नो द आंसर कि कौन सी स्टेटमेंट हमें इस बात का जवाब देगी कि प्रॉफिट कहां से होता है या लॉस कहां से होता है तो ये हमें एक ऐसी स्टेटमेंट जो इसका जवाब देगी दट इज कॉल्ड एड इनकम स्टेटमेंट और कुछ लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं और वो इसलिए कहते हैं कि इस स्टेटमेंट से हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है अब क्वेश्चन ये आ गया कि इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड होंगी इनकम स्टेटमेंट जैसे अभी हमने डिस्कस किया इनकम स्टेटमेंट है क्या इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें प्रॉफिट या लॉस की पिक्चर बताएगी और प्रॉफिट या लॉस का पता कहां से चलेगा प्रॉफिट और लॉस का पता चलाने के लिए हमें चाहिए क्या हमें चाहिए रेवेन्यूज कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यूज कितने हैं और वो सारे रेवेन्यूज का अगर हमें पता हो उसी ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्सपेंसेस का हमें पता हो तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का जो बैलेंस होगा वो हमें बता देगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है अगर रेवेन्यू ज्यादा हुए रेवेन्यू क्या है आमदनी और यहां जरा ध्यान में रख लीजिएगा थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन हो जाती है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट या रेवेन्यू और इनकम में क्या फर्क है रेवेन्यू को हम आम जबान में हम कहते हैं आमदनी और प्रॉफिट या इनकम को क्या कहेंगे मुनाफा और आपको पता है मुनाफा और आमदनी में क्या फर्क होता है रेवेन्यू से जब हम एक्सपेंसेस निकाल लेंगे तो हमारे पास नेट इनकम या प्रॉफिट आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज एक्चुअली एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ओवर एक्सपेंडिचर्स अगर रेवेन्यू ज्यादा हो जाए एक्सपेंसेस कम हो तो प्रॉफिट हो गया और अगर अदरवाइज हो जाए यह भी तो सकता है कि हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएं लेकिन हमारी आमदन कम हो और बहुत सारे बिज़नेसेस ऐसे हैं जिनको किसी स्टेज पर इस तरह की सिचुएशन से वास्तव पड़ता है आमतौर पे इन द अर्यर ईयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू रिलेटिवली कम होते हैं एक्सपेंसिस सो दैट विल बी ए स्टेज दैट विल बी ए टाइम वेन बिजनेस विल बी इन लॉसेज सो लॉस क्या हो गया एक्सेस ऑफ एक्सपेंसिस ओवर रेवन्यू सो प्रॉफिट आर लॉस ये देखने के लिए हम किस स्टेटमेंट से कंसल्ट करेंगे दैट विल बी इनकम स्टेटमेंट अब क्वेश्चन हमारे पास ये है इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे कैसे हमने एक बिजनेस स्टार्ट करना है यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड यू वॉन्ट टू मेक योर ओन इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए वी गट टू फॉलो ए पैटर्न और वह पैटर्न क्या है कि हमें रेवेन्यू एक जगह पर लिखना होंगे एक्सपेंसेस एक जगह पर लिखने होंगे रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो हमारे पास नेट इनकम या नेट लॉस आ जाएगा आम तौर पर वो ऑर्गेनाइजेशन जो चीजें खरीदती हैं बेचने के लिए जो चीजें खरीदती हैं, हैं बेचने के लिए जिनको हम मर्चेंडाइजिंग कंसर्न्स कहते हैं या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या मर्चेंटाइजिंग कंसर्न वो कंसर्न है कि जो प्रोडक्ट खरीदती है बेचने के लिए उनकी कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त के दरमियान जो फर्क होगा देर विल बी देयर प्रॉफिट सो द डिफरेंस बिटवीन बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस देर विल बी देयर प्रॉफिट अब अगर हम इस टाइप के बिजनेस में डील करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें एक इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगी जिसमें यह सारी चीजें रिफ्लेक्ट हों फॉर एग्जाम्पल जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट बनाना हो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी स्टेटमेंट को हम स्टार्ट करते हैं हमेशा टाइटल से और टाइटल में तीन चीजें आ जाएंगी नंबर वन नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नंबर टू नेम ऑफ द स्टेटमेंट और इस शक्ल में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट की तो स्टेटमेंट का नाम क्या आएगा दैट विल बी इनकम स्टेटमेंट और थर्ड थिंग

अब हमने स्टार्ट किया अपने इनकम स्टेटमेंट को कहां से टाइटल से और टाइटल लिखने का तरीका अब आपको आ गया है, उसके बाद हम आगे चले वो ऑर्गेनाइजेशन जो बाई करती है और सेल करती है उनका सबसे बड़ा जो रेवेन्यू होगा वो क्या होगा दैट विल बी द सेल्स बिकॉज दे सेल देयर कमोडिटीज इन द मार्केट सो फर्स्ट थिंग इज द सेल्स उनको ये देखना पड़ता है कि हमारी सेल्स कितनी हुई है एंड दैट सेल्स इज देयर मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जब मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू की बात कर रहा करूं तो इसका मतलब होता है कि कुछ और भी रेवेन्यूज हो सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लेकिन जो मेन सोर्स है जिस पर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड कर रही है दैट इज द सेल्स सेल्स के बाद एक और फिगर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कास्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कास्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड क्या चीज है कास्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड वो कास्ट है जिस पर हमने ये प्रोडक्ट्स खरीदी थी अगर मैन्यूफेक्चरिंग कंपनी है तो जितना हमारी बनाने की लागत आई है सो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया लागत राइट right? इतने में हमें पड़ी है सो अवर सेल्स रेवेन्यू एंड देन इज कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम सेल्स रेवेन्यू में से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दें तो हमारे पास एक फिगर आएगा दैट इज आर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट हम इसको क्यों कहते हैं बिकॉज कुछ और चीजें भी इससे डिडक्ट होनी है अभी कुछ चीजें और हैं जो इससे हमने काम करना है और वो क्या क्या हो सकती है दीज आर अदर एक्सपेंसेस एंड दीज अदर एक्सपेंसिस कैन बी आवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कि अब ये बिजनेस ऑपरेट हो रहा है तो बिजनेस ऑपरेट जब होगा तो कास्ट तो एक चीज थी फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी टेलीविजन खरीदती है और टेलीविजन बेचती है तो एक टेलीविजन अस सपोज एक टेलीविजन हमें कास्ट करता है फॉर टेन थाउजेंड हम यही टेलीविजन आगे बेच देते हैं अलेवन थाउजेंड में अलेवन थाउजेंड इज आवर सेल्स रेवेन्यू टेन थाउजेंड इज आवर कास्ट सो सेल्स रेवेन्यू माइनस कास्ट दैट इज आवर ग्रास प्रॉफिट और ग्रास प्रॉफिट में से अभी और एक्सपेंसेस भी लेस होना है और वो कौन से हैं? कोई हमारी उस शॉप के ऊपर जहां से टेलोविन बिकता है को वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी भी काम कर रही होगी वो उसकी क्लीनिंग भी होती है कोई सफाई वाले आते हैं कोई वहां पे कोई पानी गैस का सिस्टम भी होगा और फिर टेलीफोन तो हम यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंप्यूटर कोई स्टेशनरी वो भी इस्तेमाल हो रही है कोई एक सिक्योरिटी गार्ड भी हमने रखा हुआ है जो हमारी हिफाजत करता है और फिर हमारे पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है जिनका काम है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज करना वो भी वहां मौजूद है उनकी भी कास्ट है अब ये भी सारे हमारे एक्सपेंसिस हो गए ये भी एक्सपेंसिस हमने डिडक्ट कर फ्रॉम दैट अमाउंट सो वी हैव ए फिगर विच वी टाइटल्ड एज ए ग्रास प्रॉफिट उस फिगर में से फिर हमने कुछ और एक्सपेंसिस लेस किए और ये जो हमने और एक्सपेंसिस लेस किए हैं दीज आर टिंग एक्सपेंसिस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करने के बाद हमारे पास एक फिगर आ गया एंड दैट फिगर विच वी हैव इज आर नेट इनकम एंड दैट इज वट वी वॉन्ट टू नो बाई द टाइम कि हमें कितनी नेट इनकम मिलती है पूरे प्रोसेस के बाद टैक्स पे करने के बाद सारे एक्सपेंसिस पे करने के बाद और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद हमें कितना प्रॉफिट होता है दैट इज अट इनकम दैट इज अ वे वी विल मेक वी विल प्रिपेयर आवर इनकम स्टेटमेंट आपके रेडी रेफरेंस के लिए मैं आपको एक बनी हुई इनकम स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं जरा आप इसको देखिएगा और आप देखेंगे ये ये इनकम स्टेटमेंट उसी पैटर्न पे बनाई गई हुई है जो तो हमने यहां पे डिस्कस किया ये देखिए यह आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट है सबसे ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है टाइटल और कोई भी स्टेटमेंट हम बनाएंगे तो सबसे ऊपर टाइटल होगा और टाइटल के बाद आप आगे देखिए क्या नजर आता है हमें सबसे पहले वी सी द रेवेन्यूज और रेवेन्यू में सबसे ऊपर आपने देखा टोटल रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आवर सोर्स ऑफ रेवेन्यू और सोर्स ऑफ रेवेन्यू के बाद आप देखिए हमारे पर एक्सपेंसेस आ गए और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई हैं कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जब आ गई उसको हमने नेट रेवेन्यू से डेटक कर दिया सबसे ऊपर क्या है ये देख रहे हैं आप रेवेन्यूज उसके बाद क्या हाइडा हमारे पास पहुंचा कास्ट ऑफ गुड सोल अब आपको क्या नजर आया यहां पर क्रास प्रॉफिट और ग्रास प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है जिसमें अभी हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस नहीं किए थे और अब आप देखें फर्दर नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस हो रहे हैं ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करने के बाद वी गॉट ए फाइनल फिगर एंड दैट इज द नेट इनकम इस स्टेटमेंट को जरा आप गौर से देखेगा और स्टेटमेंट को गौर से देखने के बाद अब आपको समझ आ गई होगी कि एक इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है तो लेडीज लेडी एंडमे जो आपको इनकम स्टेटमेंट अब दिखाई गई है ये दिखाने का मकसद यह था कि आपको प्रैक्टिकली इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है वो दिखाई जा सके अब आप जब अपनी आग में होंगे और आप में से कुछ लोग इस टाइप के बिजनेस में होंगे जिसको हम ट्रेडिंग या कहते हैं इस टाइप के बिजनेस जब आप होंगे तो यू बी मेकिंग योर ओन इनकम स्टेटमेंट्स और ये हमें बनाने आना चाहिए और आम तौर पर कोई भी छोटे से छोटा बिजनेसमैन चाहे एक छोटा दुकानदार हो मोहल्ले का वो भी ये काम कर रहा होता है लेकिन दैट माई माइ नॉट बी डन ऑन वेरी प्रोफेशनल प्रोफेशनल ग्राउंड बट वी आर गोइंग टू बी ए प्रोफेशन ऑफ द एरिया इस कोर्स करने के बाद आप प्रोफेशनल लाइफ मैटर हो रहे हैं आप जब अपने इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे दैट विल बी मेड अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड प्रोसीजर उसको हमने उसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से हमने यहां पर अब डिस्कस किया है और उसका पैटर्न भी वही होगा जो हमने यहां पर डिस्कस किया है एंड दैट विल बी ए प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट लेडीज एंड जेंटलमेंट इस आज की हमारी सारी डिस्कशन के बाद अब आपको यह समझ आ गई है कि एक बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है और एक इनकम स्टेटमेंट कैसे तैयार होगी और हमने यह सीखा कि इनकम इनकम स्टेटमेंट में एक रेवन्यू सेक्शन होगा एक कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला पार्ट होगा और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे और इसके बाद वी विल बी एबल टू फाइंड ए फाइनल फिगर एंड दैट फाइनल फिगर इज नेट इनकम और नेट लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नो आई एम श्योर दैट वेन यू विल स्टार्ट योर ओन बिजनेस आर वेन यू विल बी वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन यू विल अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट ओवर देयर फॉर मेकिंग ऑल दीज स्टेटमेंट्स इन दोज ऑर्गेनाइजेशन दू जर्मे देयर अनदर कॉन्सेप्ट देर इज फाइनेंस अब हमने अकाउंटिंग की बात की और हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजर अकाउंटिंग की हमने बातें की हमने ऑडिटिंग को भी डिस्कस किया एक और एरिया जिसको थोड़ा सा समझना बड़ा जरूरी है हमारे लिए इस कोर्स की हद तक थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग हमारी बनना चाहिए वो है फाइनेंस के टर्म फाइनेंस जब आएगी तो ये क्या इसका मतलब होगा और अकाउंटिंग और फाइनेंस में कहा फर्क हो जाएगा और फाइनेंस वाले जो लोग होंगे उनका दायरा कार क्या होगा कौन कौन सी ड्यूटीज कौन कौन सी सर्विसेज वो परफॉर्म कर रहे होते जब हम फाइनेंस की बात कर रहे होते हैं तो फाइनेंस का मतलब यह होता है कि थिंकिंग एंड कंसिडरिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना कि कहां कहां किसी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फिर उन इन्वेस्टमेंट को पे बैक करने के लिए रेवेन्यूज जनरेट करना कहां कहां से रेवेन्यू आएंगे और एक काम कि जो डे टू डे फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की उनको परफॉर्म करना अब इसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं हमने डिस्कस यह किया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहां कहां हो जाएंगी फर्ज कर लेते हैं कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास सरप्लस फंड्स हैं उन फंड्स को कहां इस्तेमाल करना है इसका फैसला कौन करेगा इसके लिए डिसीजन मेकिंग करना फाइनेंस वालों का काम है और फाइनेंस वाले बताएंगे कि इस पैसे से वी कैन बाय प्रॉपर्टी वी कैन इंपोर्ट सम मटेरियल, वी कैन स्टार्ट ए शुगर मिल Or we can set up a cement plant or we can start a drama production unit. So all these are various long-term investment opportunities. Like an will be hoga. Ke which one is the right option for an organization? Iska decision karnakel ye? के फैसले के लिए जो एक्सपर्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होते हैं दे आर द फाइनेंस पीपल और वो क्या करेंगे दे विल कंपेयर ऑल द ऑप्शन विच आर अवेलेबल यूजिंग देयर इंटेलिजेंसिया वो अपनी एक्सपर्टिस को अपने इंटेलिजेंशिया को यूज करते हुए ये फैसला लेते हैं कि कहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आप देखते हैं कि एक कंपनी जिसने पहले एक टेक्सटाइल मिल लगाई हुई थी अब उस कंपनी ने कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया है और फिर उस कंपनी ने कोई इलेक्ट्रिसी जनरेशन का एक प्लांट लगा दिया तो ये कौन है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को ये गाइड करता है कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट कहां होना चाहिए और कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें अप्रोप्रिएट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर ओ आई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफर करेगा सो कंपैरिजन ऑफ द पॉसिबल ऑप्शंस using the intelligence here and using all those uh, uh, available softwares or any other technique which these finance people do they make a decision and they guide to the management of an organization that where to invest and where not to So, पहला काम यह हो गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा करना चाहिए और उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपैरिजन करके हमें फाइनेंस के लोगों ने गाइड कर दिया अब एक और काम है और वो काम ये ये है कि हमें डे टू डे बेसिस के ऊपर अपने फंड्स को जनरेट भी करना है एक तो ये हो गया कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिए अब फंड ऑप्टेन भी करना है वैसे आने कहा से हैं हमारे पास कुछ पैसे अवेलेबल हैं सरप्लस वही नीसम मोर ये सब मोर कहां से आएंगे ये काम करने के लिए फिर हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ गई और वो एक्सपर्ट्स कौन से हैं दे आर अगेन द फाइनेंस पीपल और फाइनेंस के लोगों ने एक दफा फिर कंपैरिज़न करना है कि हमें फंड्स कहां से लेना चाहिए वाई बिकॉज भी हमें एक से ज्यादा जगह से अवेलेबल होते हैं और हमने फंड कहां से लेना है इसके लिए अगेन वी गाट टू डू सम कंपेरिजन के कहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कहां पे टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है कहां पे कोई टाइम शेड्यूलिंग किस तरह से हो रही है ऑल दीज आर वराइटी ऑफ थिंग्स विच वी गाट टू कंसिडर बिफोर मेकिंग ए डिसीजन वेयर टू इन्वेस्ट

ऑन डे टू डे बेसिस और वो डे टू डे बेसिस वाले काम कौन से हो सकते हैं कैन बी बैंकिंग बैंक के साथ डील करना बैंकों में पैसे जमा करवाना बैंकों से पैसे निकलवाना बैंकों के साथ हिसाब कताब को रखना बैंकों के साथ डील करना बैंकों के साथ जो डिफरेंट सर्विस लेनी है उन सर्विस के लिए इस बात का तयन करना कि कौन से बैंक से सर्विसेज लेना चाहिए और ए, मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोगों को जो फाइनेंस में जॉब करते हैं दे आर वेरी वेल कनेक्टेड विद ऑलमोस्ट ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑन डेली बेसिस उनके दफ्तर में जब मैं जाता हूं तो बड़ी अच्छी सी नाइस सी कॉफी का एक कप तो मुझे पिलाते हैं लेकिन उस दौरान जब मैं ऑब्जर्व करता हूं कि दे आर लाइक सिटिंग इन ए स्टॉक एक्सचेंज कि बैठकर मार्केट के अंदर जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ वो डील कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं कि कभी उनको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए फॉर देयर इंपोर्ट कभी उनको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए कभी उन्होंने पैसे डिपॉजिट करने हैं कभी मनी को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन प्लेस टू तो अनदर प्लेस एंड फॉर मोस्ट ऑफ सर्विसेज बैंक्स दे चार्ज समथिंग तो ये वो लोग हैं जो इस बात का तायन करते हैं कि कौन से बैंक से हमें सर्विस लेना चाहिए जो कि हमें नंबर वन इकोनॉमिकली वायबल हो और नंबर टू हमें सर्विसेज उस स्पीड से मिले और उस एक्ोरेसी से मिले जिस स्पीड और जिस एक्ोरेसी से हमें वो सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं सो ऑल दैट इज द डिसीजन विच विल बी टेकन बाय द फाइनेंस पीपल एंड सर्टनली ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं ये शत करना तो आसान है लेकिन प्रैक्टिकली इस एरिया में काम करने के लिए वी नीड टू हैव समस्टिकेटेड नॉलेज ऑफ मैनी ऑफ द थिंग्स एंड दे आर द पीपल हु आर क्वालिफाइड फ्रॉम फाइनेंस एरिया और जहां से वो ये सारी चीजें सीखते हैं और उसके बाद इनको पता है कहां से हमने रिस्क लेना है और किस तरीके से रिस्क एनालिसिस करते हैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो एनालिसिस होते हैं और किस तरीके से हमने जब एडवाइसिस लेने हैं जब लोन लेने हैं हमने लेटर ऑफ क्रेडिट की सर्विसेज लेनी है हमने करेंसी की एक्सचेंज कराना है तो व्हाट आर द दूलाज व्हाट आर द दिज एंड व्हाट इज द लिटरेचर व्हिच हेल्प दैम टू मेक ऑल दिस डिसीजन डेट ऑल इज द जॉब ऑफ फाइनेंस पीपल So now you are understand okay, what is the difference between accounting and finance. Finance वालों के ये काम हो गए Accounting वालों के काम हमने पहले define कर लिए हुए हैं And we are clear now accounting and finance वालों के काम क्या क्या है अब हमने एक बात की थी कि we will prepare some financial statements. And those statements were इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सारी स्टेटमेंट जो है ये एक तो हमें कुछ पिक्चर देती हैं एक और हमें काम करना पड़ गया और वो काम क्या है दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस हमने अब एनालाइज करना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या रही और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडिंग क्या है और हमारे स्ट्रांग एरियाज क्या है हमारी वीकनेसेस कहां, कहां पे हैं यह काम करने के लिए हम जिस चीज का सहारा लेंगे दैट इज एन एनालिसिस और जिसको हम रेशियो एनालिसिस भी कहते हैं रेशियोस क्या है रेशियोज हमें रिलेशनशिप बताती हैं

कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए के पास पेमेंट करने के लिए करंट लाइब्रेटीज कौन सी है करंट लाइब्रेटीज वो है जो बहुत जल्दी ड्यू होने वाली होती है नॉर्मली विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड हमारी जो जल्दी लाइब्रेटीज ड्यू होने वाली हैं या हो चुकी है दीज आर करंट लाइब्रिटीज और करंट एसेट कौन से है वो एसेड जो या तो लिक्विड फॉर्म में है या जल्दी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं तो उनको हम बेचकर कैश एक्वायर कर सकते हैं सो करंट एसेड और करंट लाइबिलिटीज का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उससे हमें एक पिक्चर मिलती है और वो पिक्चर क्या बताती है हमें कि हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं टू पे बैक ऑल दो लाइबिलिटीज

उन सब को हम रेशोस की फॉर्म में कन्वर्ट करके एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं और उस पिक्चर से फिर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अकाउंटेंट अपनी एवरीडे लाइफ में इन रेशोस को बहुत कॉमनली यूज भी करते हैं एक और काम जो हमने करना है अकाउंटिंग में फाइनेंस में फाइनेंशियल एरिया में रहते हुए दैट इज बजटिंग बजट आप सुनते हैं हुमतों के बजट आते हैं प्रोविंस के बजट हैं सिटीज के बजट हैं इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के बजट हैं और हमारे अपने बजट भी होते हैं बजट क्या है बजट इज ए प्लान बजट इज एन एस्टिमेट एस्टिमेट ऑफ व्हाट बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने होंगे किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू क्या कितने होंगे ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो बैलेंस हमारे पास आएगा दैट विल बी ए बजट अब ये बजट कब बनाया जाएगा बिफोर द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस बजट हमेशा स्टार्ट में बनाए जाएंगे जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हाउ मच डू वी रिक्वायर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क एंड हाउ मच डू वी हैव और आप भी अपने पर्सनल बजट भी बनाते होंगे अपनी आमदनी के हिसाब किताब अपने अखराजा का एक तखमीना दैट इज योर पर्सनल बजट एंड इट कैन बी बजट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर द वन हु विल हैव टू डू दैट अपनी आग्नदर्शन में हमने भी ये बजट बनाना होंगे लेडीज एंड जेंटलमैन मैं आज अपनी इस कन्वर्सेशन को यहां पे वाइंड अप करता हूं और इस कोर्स में इस कोर्स के टेक्स को हमने ए, सारे एरियाज़ को डिटेल में डिस्कस करते हुए खत्म किया और इस वक्त मैं आपके सामने अब तक हमने पूरे कोर्स के दौरान पिछले 45 फाइव लेक्चर्स में हमने जो सारी चीजें डिस्कस की है एक क्युण क्युण में आपके सामने रखना हमने पहले दिन अपनी डिस्कशन जहां स्टार्ट की थी हमने स्टार्ट ये किया था कि बिजनेस क्या चीज है और बिजनेस हमने कहा था कि एनी एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट और उसके बाद हमने बिजनेस की डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस किया हमने सोल uh, ओनरशिप की बात की जिसका एक मालिक होता है एंड वी डिस्कस के सोल ओनरशिप के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस होंगे फिर हमने पार्टनरशिप की बात की पार्टनरशिप वॉल ए टाइप ऑफ बिजनेस वेयर देर आर टू आर मोर देन टू पीपल और पार्टनरशिप बिजनेस में किस तरीके से प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है पार्टनरशिप डीट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पार्टनरशिप्स को गवर्न करता है अब आज जब हम हाँ अपने कोर्स का इस्तेमाल करते हैं करने की तरफ जा रहे हैं मैं आपको एक बार फिर यह बात कहना चाहूंगा कि आप में से कुछ ऐसे लोग जो किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहे जो कि पार्टनरशिप की बुनियादार्म हो रहा हो तो हमेशा एक एग्रीमेंट जरूर ड्रा करें पार्टनरशिप डीड जरूर लिखें और उसकी सारी क्लासेस को पढ़ें बिफोर यू साइन दैट एग्रीमेंट पार्टनरशिप के बाद हम एंटर हुए जॉइंट स्टॉक कंपनीज में और हमने डिस्कस किया कि एक ऐसा बिजनेस का फॉर्म है जहां पे uh, बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट uh, का जो स्मॉलेस्ट यूनियन है दैट इज शेयर फिर हमने ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कशन की के जॉइंटसा कंपनी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं हमने उन डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में डिस्कस किया उसकी जो लीगल फॉर्मेशन है उसको भी हमने डिस्कस किया ज्वाइंटा कंपनीज के नॉलेज की बुनियाद पर भी एक बिजनेस हम लोग कर सकते हैं एंड दैट इज बाइंग एंड सेलिंग द शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग द शेयर एक ऐसा बिजनेस है जो आप लोग बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं थोड़े से पैसों से भी आप कोई शेयर खरीद सकते हैं और उसको फिर मार्केट में भेज सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट से नॉलेज हासिल करने के बाद शेयर खरीदना और शेयर शेयर को मार्केट में बेचना दैट इज आल्सो ए स्मॉल स्टार्ट ऑफ ए बिजनेस और इसके लिए यू गैट टू गेट सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट मैं आपको स्टेशन करूंगा कि के टेलीविजन के ऊपर जब बिजनेस न्यूज आ रही हो उन न्यूज को सुने और समझें और वहां से आइडियाज लिया करें अखबार में स्टॉक एक्सचेंज की कोटेशन स्टॉक एक्सचेंज की प्राइसेस का इंडेक्स आए होते हैं उनको देखिएगा उससे कोई ना कोई आइडिया लीजिएगा कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे अपने इर्द गिर्द जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उनके साथ डिस्कशन के बाद यू कैन टेक अ स्टार्ट तो दैट इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू योर टू बिज़नेसेस फिर हमने कुछ ना कुछ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया और मैनेजमेंट हमने ये कहा कि मैनेजमेंट इज बेसिकली गेटिंग द थिंग दैन थ्रू अदर्स और मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शन हमने डिस्कस किए और फंक्शन क्या थे प्लानिंग Organizing, staffing, leading and controlling. So all these are the functions which we are supposed to perform when we are working in an organization. Planning stage thi? thinking for the future. Organization stage thi? where we develop an organizational structure. और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन करते हुए हम क्या, क्या क्या करते हैं हम उन लिस्ट बनाते हैं उन सारी एक्टिविटीज की जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने परफॉर्म करना होती है और फिर हम आ, उन जॉब्स को ग्रुप्स करते हैं और फिर डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटीज की बात करते हैं उसके बाद फिर हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल एक पूरा फ्रेमवर्क एक हाय एक आर्गानोग्राम डिजाइन कर लेते हैं अब आगनाशी ने काम करना शुरू कर दिया वी नीड पीपल नाउ हमने लोग ले आए। लोगों के आने के बाद बिजनेस ने स्टार्ट ले लिया फिर एक कंट्रोलिंग स्टेज थी जहां पे हम कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को फिर हमने कुछ डिस्कशन की थी मार्केटिंग में और मार्केटिंग का ह्यूज एरिया था जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे हम मार्केटिंग से एडवांटेज ले सकते हैं मार्केट के अंदर जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज है उनको कैसे कैसे हमने स्टडी करना है और उनसे हमने कैसे एडवांटेज लेना है एक और एरिया जिसको हमने डिस्कस किया दैट वाज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी रिक्रूटमेंट उनकी सिलेक्शन उनकी मोटिवेशन उनको पे करना ट्रांसफर परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑल दैट इज समथिंग व्हिच वी हैड डिस्कस्ड इन डिटेल इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स फिर हम एंटर हुए थोड़ा सा प्रोडक्शन एरिया में मैन्युफैक्चरिंग में जहां पे हमने फार्म यूटिलिटीज की बातें की और मैन्युफैक्चरिंग के कांसेप्ट को हमने समझा और मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम थोड़ा सा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के एरिया में एंटर हुए और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को जस्ट इन टाइम के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया और समझा एंड इन द एंड आज की इस मीटिंग में हमने अकाउंटिंग और फाइनेंस के कांसेप्ट को समझा हमने देखा कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनानी है और बैलेंस शीट कैसे बनानी है लेडीज एंड जेंटलमैन मेरे ख्याल में इस कोर्स को हमने ऑलमोस्ट बिजनेस के उन सारे एरियाज जो किसी एक बिजनेस को चलाने के लिए या एक बिजनेस शुरू करने के लिए उनको इस कोर्स के अंदर हमने टच किया है और मुझे यकीन है कि इसके बाद बिजनेस के बारे में आपकी अच्छी खासी एक अवेयरनेस डेवलप हो चुकी होगी एक गुजारिश जो मैं आपसे करना बड़ा जरूरी समझूंगा और वो ये है कि थिंक ऑफ स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस कोई ना कोई छोटा सा कारोबार वो चाहे कोई सब्जी की एक दुकान हो चाहे कोई कपड़े के चंद थान पीसेस लेके मार्केट में बेचने का कोई कारोबार हो चाहे कोई रिपेयर की एक शॉप हो एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचे और मुझे यकीन है कि अपने नॉलेज की बुनियाद पर अपने इंटरेस्ट की वजह से अपने एंथोसिज्म की वजह से अपनी एनर्जी की वजह से यू विल ग्रो और नौकरी का डेफिनेटली सोचना चाहिए लेकिन बिजनेस हैज मोर अपॉर्चुनिटीज मोर प्रॉफिट्स पे आप ज्यादा अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए यू कैन गेट मोर यू कैन गेन मोर यू कैन फ्लोरिश मोर सो थिंक ऑफ स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे आप में से जो फर्दर स्टडीज कर रहे हैं इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल कहां कहां है कुछ लोग जो बैचलर ऑफ कॉमर्स करेंगे जो बीबीए कर रहे होंगे जिन्होंने कहीं एमबीए प्लान किया हुआ है जिन्होंने कोई आई की डिग्री करना है जिन्होंने एम मास्टर ऑफ बिजनेस एजुकेशन करना हो उन सब के लिए इस सब्जेक्ट के अंदर हासिल किया हुआ नॉलेज कहीं ना कहीं यूजफुल होगा आप अपने ईमेल के साथ हमारे साथ किसी ना किसी तरीके से मुतलक रहे आपके जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते रहे उससे हमें अंदाजा होता रहा कि इस कोर्स को आपने रियली really एंजॉय किया है और बहुत एक्टिवली आपने पार्टिसिपेट किया है अपने क्वेश्चन के थ्रू इस कोर्स के अंदर मैं आपके उस सारे इंटरेस्ट के लिए आपके उन सारे क्वेश्चंस के लिए जो आप इस कोर्स के दौरान हमें बेहतर है अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं मुझे यकीन है कि इस कोर्स के बाद आपका फ्यूचर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और बेशुमार वो लाइनें जो आप अपने माइंड में सोच रहे होंगे वो आपके लिए खुलेंगी मेरी दुआ है इस कोर्स के कंटेंट को इस्तेमाल करते हुए आप तरक्की के मजलों में ऊपर से ऊपर पहुंचे मुझे यकीन है कि आप बिजनेस में ट्रेड और कॉमर्स में और बिजनेस की एजुकेशन में यू विल डेफिनेटली शाइन लाइक स्टार्स और आपकी ये यूनिवर्सिटी और मैं आपका उसटनली आई बी प्राउड ऑन यू इसके साथ ही इस कोर्स को इखताम करते हैं और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा खुदा हाफिज।